नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, जिसमें आज हम पड़ताल करेंगे 1600 साल पुराने एक ऐसे राज की जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। 7.5 मीटर का एक ऐसा अजूबा जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रही है। ये अजूबा है एक लौह स्तंभ का। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का दमकता चेहरा, जिसमें तेज रफ्तार है और सरपट भागती जिंदगी, जिसमें आसमान छूती इमारतें हैं और कदम कदम में फ्लाईओवरों की कारीगरी। ये शहर हर पल बदलता रहा, आगे बढ़ता रहा, कुछ नया करता रहा। इंसान का दिमाग इसे पल पल नया रंग देता रहा और धीरे धीरे विज्ञान इतना आगे बढ़ा कि रात के अंधेरे पर भी इंसान ने जीत हासिल कर ली। विकास की इस रफ्तार में इंसान सदियों आगे निकल आया, लेकिन इसी दिल्ली में 7.5 फुट का एक ऐसा अजूबा आज भी मौजूद है जिसके आगे आज का विज्ञान सदियों पुराने विज्ञान के आगे बौना नजर आता है। हस्तिनापुर से दिल्ली तक के सफर में दिल्ली कई बार उजड़ी है और कई बार बसी है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसने दिल्ली को उजड़ते और बसते बड़े ही करीब से देखा है, लेकिन उस पर वक्त के इन थपेड़ों की मार दिखाई नहीं देती। ये एक लौह स्तंभ है जो कि कुतुब मीनार में स्थित है। जाने कितनी बार उजाड़ी और बनाई गई दिल्ली, जो मौजूदा वक्त में 9 जिलों में बटी हुई है और 1483 वर्ग किलोमीटर में पसरी हुई है, जिसकी अधिकतम लंबाई 52 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 48 किलोमीटर, जिसके उत्तर और पूर्व में गंगा का कछार है, पश्चिम में थार की रेगिस्तानी मिट्टी है और दक्षिण में अरावली पर्वत का क्षेत्र। इसी दिल्ली में मेहरौली की ओर जाने पर दिखती है तुर्क सम्राटों के काल की 73 मीटर ऊंची कारीगरी, सैकड़ों साल से खड़ा कुतुब मीनार। कहा जाता है कि साल 1193 में दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट को हराकर बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 5 मंजिले टार की बुनियाद रखी थी, जिसे इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने फिर पूरा कराया। हिंदुस्तान की इस बेहतरीन कारीगरी को आज भी दुनिया में वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। लेकिन इस धरोहर के पास ही एक ऐसी धरोहर भी है जो 1600 सालों से विज्ञान के लिए अजूबा बनी हुई है। ये धरोहर है एक लौह स्तंभ। 1600 वर्षों में मेहरौली के लोहे के मीनार की ना तो बारिश कुछ बिगाड़ पाई है, ना हवा में नमी ही जंग लगा पाई है। ये लौह स्तंभ आज भी वैसे ही चमकता है जैसे अभी अभी बना हो। तो आखिर किसके राज में और किन कारीगरों ने एक स्तंभ को अजर और अमर बना दिया? दिल्ली के मेहरौली में इस 7.5 मीटर ऊंचे मीनार पर इसका इतिहास लिखा है, लेकिन इस इतिहास को भी पढ़ने का दावा विवादों में घिरा हुआ है। दावा किया जाता है कि इस पर लिखावट ब्रह्मी लिपि में है और इसे पहली बार पढ़ने का दावा किया गया 126 साल पहले 1888 में। दावा किया गया कि 6 लाइन और 3 स्टेंजा की यह इबारत एक कवि की रचना जैसी है, जिसका दिल्ली के किसी पंडित बांके राय ने 1903 में अनुवाद किया। इस अनुवाद के मुताबिक लोहे की मीनार पर लिखा है, जिसकी भुजा पर तलवार ने कीर्ति लिखी, जब उसने वंग देश की लड़ाई में इकट्ठे होकर आए शत्रुओं को छाती से धकेल कर पराजित कर दिया, जिसने लड़ाई में सिंधु के साथ धाराओं को पार कर वाल्हिकों को जीता, जिसके बल रूपी वायु से आज तक दक्षिण में समुद्र सुगंधित हो रहा है। लौह स्तंभ पर लिखी इबारत के अनुवाद ने रहस्य को और भी गहरा दिया, क्योंकि इतिहास में वंग देश का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ना ही इस काव्य ने ये राज उजागर किया कि किस देश में किस राजा ने विजय पताका लहराई थी। कुछ जानकार मानते हैं कि वंग राज्य उज्जैन के आसपास कहीं होगा और मीनार पर लिखी इबारत कहती है किसी उज्जैन से कोई राजा दिल्ली लेकर आया होगा। ताजुल मासिर नाम का एक ग्रंथ है, हसन निजामी का लिखा हुआ,
उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जहाँ ये आज स्तंभ है वो जगह है जहाँ पर तकरीबन 27 टेंपल्स एग्जिस्ट करते थे, और उन टेंपल्स को डिमोलिश करके तुर्कों ने इस मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन इस स्तंभ को नहीं हटाया, जिससे ये साबित होता है कि ये स्तंभ पहले से यहाँ मौजूद था। ये स्तंभ किसने लगवाया था और कहाँ से आया था, इसका अभी तक कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, ठोस एविडेंस नहीं है। ये लौह स्तंभ यहाँ कैसे आया, कौन लाया और किस मकसद से लाया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके हल तलाशने की कोशिश आज भी जारी है। मीनार पर लिखी लाइनों का आगे का अनुवाद भी सारे राज नहीं खोल सका, जिसका मतलब होता है जिसका नाम चंद्र है और जिसका मुख भी पूर्णिमा के चांद जैसा खूबसूरत है, इस राजा ने भक्ति से अपने मन को भगवान विष्णु में लगाया, और जिसने विष्णुपद नाम के पहाड़ पर भगवान विष्णु का ये ऊंचा ध्वज स्थापित किया। स्तंभ पर लिखी गई बातें पढ़ी जाती रही और इतिहास उलझता रहा। स्तंभ पर लिखे चंद्र नाम से कई कयास लगाए गए और विष्णुपद नाम के पहाड़ की भी खोज शुरू हुई। फहयान ने उसी के समय में भारत यात्रा की थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में 6 साल भारत में बिताए थे। फहयान ने लिखा है, मालवा में उसके शासनकाल में सभी खुश थे, कोई अपने घर पर ताला नहीं लगाता था, उसके शासनकाल में किसी जानवर को मारकर नहीं खाया जाता था, शराब नहीं पी जाती थी, प्याज और लहसुन कोई नहीं खाता था, केवल चांडाल ही ऐसा किया करते थे। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि विज्ञान डेवलप था, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण और लिखित अगर प्रमाण हम कहने की कोशिश करें तो अलबेरूनी का ग्रंथ है किताबुल हिंद में। इस ट्रैवलर ने, जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था, एक एस्ट्रोलॉजर था, इसने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ लिखा है उससे अच्छा शायद कोई दूसरा अकाउंट हिंदुस्तान की उन्नति को दर्शाने के लिए हमारे पास 10वीं-11वीं शताब्दी का नहीं है। इतिहास कहता है कि मेहरौली की लोहे की मीनार ब्यास नदी के किनारे कहीं पर हुआ करती थी, उसे दिल्ली का कोई राजा दिल्ली लेकर आया। इतिहास ये भी कहता है कि लोहे की मीनार भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका ऊपरी हिस्सा कमल के आकार का है, लेकिन इतिहास में मीनार की तकनीक कहीं नहीं मिलती। कोई नहीं जानता कि जब पूरी दुनिया में लोहे में जंग लगती है तो फिर मेहरौली की लोहे की मीनार चमकती क्यों रहती है। तो क्या अब तक हुई रिसर्च इस राज से पर्दा उठा सकी है? मेहरौली के लौह स्तंभ का इतिहास जितना रहस्यों में घिरा हुआ है उतना ही बड़ा अजूबा है इसकी मौजूदा हालात। खुले आसमान के नीचे खड़ा यह स्तंभ 1600 वर्षों से धूप और बारिश का मुकाबला कर रहा है, बावजूद इसके इसमें जंग का नामो निशान तक नहीं मिलता। ये तकनीक वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करती है। जब पूरी दुनिया में लोहे में जंग लग जाता है तो मेहरौली के लौह स्तंभ में क्यों नहीं? क्या लौह स्तंभ में वाकई लोहा है, या लोहे जैसा दिखने वाला कोई और धातु, या फिर लोहे के स्तंभ को किसी लेप से सुरक्षित किया गया है? और अगर स्तंभ को सुरक्षित किया गया है तो फिर वो लेप कौन सा है? इन सवालों पर सबसे ठोस रिसर्च मिलती है IIT कानपुर के विशेषज्ञ प्रोफेसर R. बालासुब्रमण्यम की। बालासुब्रमण्यम ने अपने शोध के बाद दावा किया, लौह स्तंभ में मिसावाइट की एक परत है जो लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि लौह स्तंभ में 98% लोहा है और एक पतली सी परत ने ही स्तंभ को क्षरण से बचा रखा है। लोहे में फास्फोरस की मात्रा अधिक है। आमतौर पर लोहे में 0.05% फास्फोरस होता है, लेकिन इस लौह स्तंभ में 0.1% फास्फोरस पाया गया। ये एंशिएंट पीरियड का अचीवमेंट के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। मेटलर्जी इतनी डेवलप्ड है कि वो पूरा का पूरा स्तंभ जंग से बिल्कुल पाक है, साफ है। IIT के विशेषज्ञ ने मध्य प्रदेश में धार और मांडू के लौह स्तंभों का भी अध्ययन किया। राजस्थान के माउंट आबू और कर्नाटक के कोडचद्री के लौह स्तंभों को भी जांचा परखा।
और दावा किया कि ये 1600 साल पुराने एडवांस साइंस का अद्भुत नमूना है। इस दावे में सच्चाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि सदियों पुरानी गुत्थी सुलझ जाने के बावजूद कोई दूसरा लौह स्तंभ नहीं बच सका, लोहे को जंग से नहीं बचा सका, शरण की इस अद्भुत कारीगरी को इस्तेमाल में नहीं ला सका। पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, वेजिटेशन खूब था, ग्रीनरी खूब थी, तो पर्यावरण को लेकर तो कंपैरिजन बिल्कुल मेरे ख्याल से संभव नहीं है। लेकिन इस स्तंभ को देखकर ये ज़रूर साबित होता है कि हिंदुस्तान के जो मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स थे वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे और एक नमूना, एक छाप इतिहास में एक अपना एक प्लेस क्रिएट करना चाहते थे और ये स्तंभ उसको साबित करता है। कुछ जानकारों का दावा है कि दिल्ली के लौह स्तंभ को बनाने में वो स्टील का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी वो लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती थी। माना जाता है कि भारतीय इस लोहे का इस्तेमाल ईसा से 300 साल पहले से कर रहे थे। बाद में इसी स्टील से दमिश्क तलवारें भी बनी जिनकी धार का लोहा दुनिया ने भी माना। दिल्ली के अगर वातावरण की बात करें तो इस वातावरण में लोहे पर जंग लगना सामान्य सी बात है, इस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ रहता है। लेकिन कई तरह के रिसर्च के दौरान ये देखा गया खास तौर पर कि न सिर्फ इस पूरे ही लोहे के स्तंभ में इस तरह के मेटल की मिलावट है जो इसे जंग प्रतिरोधी बनाता है, बल्कि इस बात को भी साबित करता है कि 1600 साल पहले इस देश में जंग प्रतिरोधक इस तरह के स्तंभ को बनाने की कला मौजूद थी और उसका ये जीता जागता उदाहरण हमारे ठीक सामने खड़ा है। इस पर कई तरह के रिसर्च हुए और रिसर्च के दौरान ये जानने की कोशिश हुई कि आखिरकार इस स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लगता और इसको लेकर कई तरह की थ्योरीज हैं। आधुनिक काल में, वर्तमान में, तो हम जानते हैं कि स्टील के फॉर्मेट में लोहे को ढाला जाता है और उस पर जंग नहीं लगता। लेकिन साफ शब्दों में कहें तो भारतीय विज्ञान का भी एक तरह से जीता जागता उदाहरण है कि 1600 साल पहले भी इस तरह की तकनीक हमारे देश में रही कि इस तरह के लौह स्तंभों को बनाया गया जिस पर जंग का नामो निशान आज भी दिखाई नहीं देता। कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि लौह स्तंभ में कार्बन के साथ साथ टंगस्टन, वेनेडियम का भी इस्तेमाल किया गया होगा जो लोहे को क्षरण से बचाता है। एक ज्ञान जो सदियों से हिंदुस्तान के पास था, सदियों पहले खो गया। इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना जो सदियों पहले तैयार किया गया वो आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो आखिर कहां गई वो कारीगरी? क्या ज्ञान को अपने परिवार तक ही समेट कर रखने की परंपरा में वो ज्ञान भी गुम हो गया? क्या इस ज्ञान को सम्राटों ने ही आगे नहीं बढ़ने दिया? आगे आपको दिखाएंगे मेहरोली का वो लौह स्तंभ जो सदियों से जंग से महफूज है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।